नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 5 पर, जिसे हमें सजेस्ट किया है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है अहमद अफरीन, एफके स्टेटस वर्ल्ड, मैरी, शुभम मलिक, अहमद खान, जोया, वाशिक मलिक, शायरा खान, जिशान अहमद, फातिमा गुल। सो विदाउट एयर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ मेरा शेर छोड़ के चला गया। आ गया शेर कत्ल कर गया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। बस बेटा कुछ दिन तुमने लोगों के सामने जरा शर्मिंदा शर्मिंदा दिख रहा है। आई एम सॉरी बाबा, बड़ा थैंक यू आपको, बड़ी टेंशन दी। अरे टेंशन दी भी और फिर टेंशन खत्म भी कर दी मेरे बेटे ने। वेल डन, शाबाश, तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही वीर शाह के बेटे हो। जरा कभी हार मानेगा ना किसी के सामने झुकेगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा। यस, ऐसा करो, अपने सारे दोस्तों को बता दो कुछ दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुम सबको यूरोप का ट्रिप दूंगा। जाओ और वहां जाके इसकी आजादी सेलिब्रेट करो। थैंक यू अंकल, मैं भी ट्रिप करूं, मजा ही कुछ और है। ओके, एंजॉय योरसेल्फ बेटा। मीर हाथी आए हैं, रात में पार्टी का बंदोबस्त करो कुछ। हाँ बेटा, बाबा तो मेरे हैं, बाबा मेरे साथ जाएंगे, बाबा मेरे साथ जाएंगे। बाबा देखो ना भाई को, देखो ना भाई को। चले बाबा, चले बाबा। मैडम आप अपनी बच्चियों को घर भेज दीजिए, आईसीयू के बाहर इतना शोर शराबा। किसके आश्रय पे छोड़ उन लोगों को, किसके आश्रय पे? मामा आप इन लोगों को घर लेकर जाए, मैं हूँ बाबा के साथ। लेकिन खाने मामा प्लीज, आप जा रहे चीज है ना। मेरा भी आज वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, फिट रहता आदमी, फिट। किधर है आदि? किधर आदि? आइए जी, आइए। गुड मॉर्निंग आद, गुड मॉर्निंग आद, गुड मॉर्निंग जान। कैसा सोए रात को? कैसे क्या मतलब, कितने दिनों के बाद अपने कमरे पे आया है, मजे की नींद सोया होगा। आई होप कि तुम हमेशा इसी तरह आराम की नींद सो सको अपने घर। एनीवेज ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? नो, आई एम गुड, थैंक यू। हाँ फिर वो इज्जत, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ब्रेकफास्ट कितना इम्पोर्टेंट है। बताओ क्या दो तुम्हें? आदि तुम्हें याद है ना,
कल तुम्हारा इंटरव्यू है एंड यू नो कि क्या कहना है तुम्हें। आई नो डैड। एक बात भूल रहे हो अभी भी, ये तुम्हारे आज का वीक पॉइंट कल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनेगा ये सिर्फ मैं जानता हूं। जितनी सिंपथी ले सकते हो ले लो, तुम्हारी यही गलती है कल को तुम्हें जीत दिखाएगी। आज तक जूस तो पी लो। आपकी रिपोर्ट तो सारी क्लियर है, आपको दो घंटे बाद इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? फिक्र ना कीजिए। हेलो सलमान साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब शर्म आप कैसी? शर्म आपके फादर को आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं, वो आप साइन कर दीजिए। ठीक। और वो पेमेंट्स वगैरह? पेमेंट तो सारी क्लियर है, आप उसे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्या मतलब? उन्होंने नाम बताने से मना किया है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये मेरा राइट है कि मुझे पता चले कि हम किसकी खराब के नीचे दबे हुए। मीरशाह साहब ने प्रपोजल तो अच्छा है आपका तारिक साहब, इसे छोड़ दें, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं क्या नहीं। थैंक यू। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई की बातें आपके मुंह पे जज नहीं रहे। hey! बात करो। बदतमीजी अभी मैंने की कहा है मीरशाह। मुझे रही तुम्हारी की हुई रकम। बहुत अच्छे। मेरा बाप हॉस्पिटल में मरता है तो मरे, हम भूखे मरते हैं तो मरे, लेकिन तुम्हारी इस खून में डूबी हुई खानदानी कमाई पर मैं थूकती भी नहीं हूं। अभी अपना शुरू किया है। ज्यादा बात मत कहना,
बेहतर कौन जानते हैं कि वीर पर काट के समझते हैं कि सब उनके काबू में। बात तो तब होगी जब बिना पर काटे वो लोगों की उड़ान का मुकाबला कर सके। लेकिन शायद ये नीरो के खून में नहीं। अब कहानी जो है अपने असली फॉर्म में आ गई। अब इस सीरियल देखने में काफी मजा आया। मतलब जिस कारण से मतलब ये स्टार्ट हुई थी कहानी की सीरियल बेस्ट है। अब इस सीरियल में कहानी अपना रंग दिखाएगी असली। प्लीज प्ले करो। जिंदगी का ड्रामा कर लो, मीडिया में थोड़ी बात ठंडी हो जाए, कोई नई बड़ी खबर आ जाए, तब तक मेरी खबर थोड़ी सी दब जाए। पार्टी का क्या? पार्टी तो करनी है। अच्छा बाबा, बहुत दुखी थी जेल में ना। नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है।
कहीं इन फ्यूचर इसको भी ऐसा सुना खुश नहीं है सलमान। सलमान सो तो क्या करती? तुमने जो कुछ किया ठीक किया। खानी भी शायद जो सोच रही है ठीक सोच रही है। गलत तो हो सब है सोनिया, जो हो रहा है इस वक्त। जल्दी से खाना खा लो, आखिर कब तक यूं भूखी बैठी रहोगी? चलो मैं तुम्हारा खाना। हमें भी नहीं खाना अगर आप नहीं खा रही तो। जिद मत कर। जिद हम कब कर रहे? जिद तो तुमने की हुई है खानी। और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये किस बात की जिद है, किस बात का गुस्सा है। तंग मत करो मुझे, मैं कुछ कह रही हूँ तुम लोग? किसी को कुछ नहीं कह रही हो, यही तो मसला है खानी। एक दफा बात कहकर खत्म क्यों नहीं कर देती हो? तुम अकेली तकलीफ में नहीं हो, एक दफा मामा की तरफ तो देखो। पिछले 3 दिन से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? तो मामा को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है खानी? उनको किस बात की सजा दे रही हो? तो सिर्फ एक दफा उनकी जगह पर आकर देखो कि उन्होंने किया क्या है। एक औलाद की मौत की माफी इतनी आसान नहीं होती। ये भी उन्होंने अपनी दूसरी औलाद की जान बचाने के लिए किया। वो औलाद तुम हो, तुम सारिम की परछाई हो। तुमने खुद ही कहा था ना, सारिम जाकर भी तुम्हारे अंदर जी रहा है। मामा ने तुमको और सारिम को जिंदा रखने के लिए ही ये घूट पिया है। तुम उन्हीं से कैसे नाराज हो सकती हो खानी? और बाबा का सोच, मामा तो बिल्कुल ही अकेली हो गई है। ना सारिम भाई भी नहीं है और बाबा तो बेड पर ही है। अगर आप भी उनसे बात नहीं करोगी तो वो तो मर ही जाएंगे। प्लीज चुप हो जाओ।
आज मेरी सोनिया से बात हुई थी। अच्छा, कैसे है सब? क्या बताऊं कैसे, वहां तो दिन का दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। वहां जाके सलमान से बात करता हूँ, वो बहुत याद आती है। बल्कि हमें पानी की शादी की भी बात करनी चाहिए वहां जाके। ठीक है, वहां जाके वैसा करूँ कि चलने की तैयारी। ठीक है। साहिब के खून से साथ नहीं हो
कर सकी अपने भाई को भी, बस इंसान नहीं दिला सकी मामा। कोई क्यों नहीं कुछ करता, सब चुप क्यों है, कोई हमारा साथ क्यों नहीं देता मामा। सबको पता है सच क्या है, सबको पता है। मैं अपना भाई खो दिया, कुछ नहीं कर सकी उसके लिए। क्यों बेबस है मामा, इतने बेबस क्यों है? मामा बस यही सवाल है जो मैंने तंग करते, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। क्या बात है बेटा, तुम पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आए हो? I don't feel good. क्या बात है, क्या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? मेरे बच्चे कोई तो रीजन होगा ना? हाँ प्लीज यार, जरूरी नहीं है हर बात का कोई रीजन हो, पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाती हैं। हाँ जी,
अभी तो नहीं लग रहा है, टैप करना है। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे खून की कोई हैसियत नहीं है। बस ये सोसाइटी सिर्फ पावर के साथ चलती है, अल्लाह ताला के पास सिर्फ दुआ की पावर चलती है। दिल से जो तुम निकले वो जरूर कबूल होती है, अल्लाह ताला उनकी रस्सी तराश कर रहा है, करने दो। लेकिन तुम देखना, अल्लाह ताला उनकी रस्सी एकदम दूर में खींचेगा।
ही अमेजिंग एपिसोड था। आई थिंक जितना ही आगे बढ़ता जाएगा उतना ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आता रहेगा, बिकॉज एपिसोड 5 इज काफी अमेजिंग एपिसोड थी और इसमें काफी हटकर दिखाया गया। इसमें दिखा रहा है कि मीर हादी की मतलब जो है मतलब इसकी भी मतलब काफी चेंज होगा। हाँ, अभी से चेंजिंग थोड़ा बहुत नजर आने लगा। मैं सोच रही थी कैसे इसमें चेंजिंग आएगा, बट अभी से थोड़ा बहुत मतलब इसको इमोशन समझ में आने लगा है। मतलब अब उसको देख रहा है तो आई थिंक उसको कुछ सीखने को मिल रहा है उससे। मेरे हिसाब से उसकी जो अच्छाइयां हैं इसलिए क्या बोलते हैं काफी इंप्रेशंस पे डाल राइट, मतलब उसकी अच्छाइयों को वैसे इसमें चेंजिंग आ जाएगा। काफी अमेजिंग एपिसोड था ये, और आई थिंक आगे और इंटरेस्टिंग ही आएगा, बट सीरियसली काफी इमोशनल मतलब। और मेरे हिसाब से और आगे कहानी को और पसंद करने लगेगी। हाँ, बट खानी का आई थिंक जो है लुक मतलब जो इस तरह से है वो आई थिंक उसी तरह से रहेगी, वो कभी चेंज नहीं। कहानी तो चेंज हो गई है, खानी जो है तो चेंज हो गई है, पहले काफी डरपोक थी। मतलब उसके लिए चेंज नहीं होगी, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ, उसके लिए चेंज नहीं होगी, उसके लिए बिल्कुल ही पोलाइट नहीं होने वाली, बिकॉज जो इस पे गुजर रहा है आई थिंक आपकी पोलाइट कैसे होगी उसके भाई को मारा है उसने, कातिल है वो। वो हो सकता है बिकॉज उसके अंदर इतनी अच्छाइयां देख रहा है इसलिए वो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकती बिकॉज इसने बहुत कुछ सहा है और उसका एक तरह का अगली साइड इसने देखा है, तो आई थिंक कोई भी नहीं हो पाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बिकॉज काफी अमेजिंग और आई थिंक नेक्स्ट जितने भी एपिसोड होंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारा भी लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। यस, शेयर करें जितना हो सके। तब तक के लिए नमस्ते।